एक मिनट, मगर आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, हमें बहुत बुरा लगा मैडम सर। क्या हुआ? वो एक लंबी कहानी है। छोटी करके सुना, छोटी छोटी करके सुना। देखो, हमको नशे की हालत में डीएसपी सर ने पकड़ लिया, ये तुम जानते हो। लेकिन पकड़ लेने के बाद हम और करिश्मा सिंह को डिमोट कर दिया। इस प्रकार से चलाते हैं थाना? ये थाना है या नशेड़ियों का अड्डा? अब क्या पुलिस ने शराबियों की शराब छुड़वाने का ठेका ले रखा है? अब हम SHO हसीना मलिक से बन गए, हेड कांस्टेबल हसीना मलिक। और ये बन गई है कांस्टेबल। इतना दुख हमें तब नहीं होता अगर DSP सर बोलते, जो तब पुष्पा जी बोली तो हमको बहुत दुख। हाँ करिश्मा सिंह, भरी जवानी में इस उम्र में हम जिंदगी में 5 साल पीछे हो गए। लेकिन हमको बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा ना। तो दुख मनाते हुए जाओ, पीछे जो फ्रिज है वहाँ से हमारे लिए बर्फ लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे बर्फ क्या चीज है मैडम सर, हम आपके लिए पूरा हिमालय लेके आएंगे। हिमालय पे जाऊंगा, बर्फ लेके आऊंगा, मैडम सर को पिलाऊंगा। अरे खुल जा। अरे ये तो सरकता है। ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, जो कुछ करना है। पुष्पा जी रिलैक्स, गया वो अंदर फ्रिज में। बंद करिए अब अपनी एक्टिंग। सिर्फ 20 मिनट है हमारे पास। इकबाल, बिल्लू और बदनाम, तीनों को जल्दी बुलाइए एंड गेट रेडी फास्ट। हाँ। क्विकली, चलो चलो। फ्रिज में किसने डाला? बरखुरदार जरा जोर से बोलिए, हम कम सुनते हैं। अरे हमको फ्रिज के अंदर किसने डाला? अबे चपड़ दो, इतना भी जोर से मत चिल्ला, जो बच्चे को जो सुन रहा है वो भी बंद हो जाए। क्या हुआ बदनाम भाई? क्या हुआ बदनाम भाई, समझाओ इसे। अरे भाई पहले ये किसी की नहीं सुनता, ओ पहले ये नहीं किसी को सुनता था, जवानी में फालतू मिमिक्री करता था, अब बुढ़ापे में उसके कान नहीं सुनते हैं, यही बात है। बुढ़ापा? अरे लेकिन कल तक तो तुम दोनों जवान थे ना, अचानक बूढ़े कैसे हो गए? हाँ भाई, अभी कल ही की तो बात लगती है। 2021 को बीते 20 साल हो गए। 20 साल? मैडम सर, क्या हुआ करिश्मा सिंह? पुष्पा जी कहाँ हैं? वो अभी तक तैयार नहीं हुए, उनसे कहिए प्लीज जल्दी करिए, बहुत कम समय है हमारे पास। कोने के रूम में पड़ी हुई है वो। क्या है आपको उनका ओवर एक्टिंग तो पता है ना, उन्होंने नया सीखा है मेथड एक्टिंग। जो हम दारू पीने का एक्टिंग कर रहे थे वो सही में लगा के कोने के रूम में ऐसे पड़ी है। अच्छा ठीक है, उन्हें बेहोशी रहने दीजिए, वही बेहतर होगा। मेक श्योर कि वो बाहर ना आए, कोई उन्हें उठाने नहीं जाएगा, ठीक है? आप कहे तो हम कुंडी लगा देते हैं ना, बाहर से टंटा ही खत्म हो जाए। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस तैयार रहिए।
अरे लेकिन 2021 ही तो चल रहा है ना ये। भाई तुम्हारा कैलेंडर अटक गया है क्या यार? सुबह सुबह पी लियो यार। 2021 वो था जब हसीना मैडम, करिश्मा मैडम और शराबी, क्या नाम था, अशोक, अशोक, हाँ अशोक, तीनों बैठ के रात में यहाँ शराब पी रहे थे और अशोक जो एकाएक गायब हो गया। क्या? हाँ, लोगों ने अफवाह फैला दी कि करिश्मा मैडम, हसीना मैडम चकना की छीना जलती में अशोक को कहीं खाई में धक्का दे दिया। क्या या ऐसा? बीस साल पहले? अरे लेकिन कल ही तो हसीना मैडम और करिश्मा मैडम यहां बैठ के बता रही थी ना कि उनका डिमोशन हो गया है। कौन है वो? कौन है? कौन कौन है वो? उससे मुझे मिलना है जो 2041 को 2021 बोल रहा है। कहां है वो? कौन है? कौन कौन? बिल्लू तुम मेरा नाम जानते हो? ओहो बिल्लू द स्पाई। बोलो। अरे अरे बिल्लू तुम हमको नहीं पहचान रहे? अरे हम अशोक, बेबड़ा अशोक तुम्हारे साथ जेल में थे, भूल गए क्या? नहीं नहीं याद नहीं, मैं जेल में इतने सारे लोगों के साथ अंदर रहा हूँ तो किस किस को याद रखूंगा मैं। बदनाम चाय लाओ। क्या फेंक रहा है यार ये चाय? फेंक इसके मुंह पे। ये ले। थैंक यू। ये ले लो पैसे। ये ले। अबे तू पागल है क्या? क्या हुआ? अबे एक 5 रुपए की चाय के लिए तू 2000 रुपए दे रहे इसको? अरे भाई एक चाय की कीमत 2041 में 2000 ही है। अरे तुम लोग सामूहिक भ्रम में हो गए हो क्या? अरे 2021 को 2041 बोले जा रहे हो, हमको नहीं पहचान पा रहे हो? अरे हम अशोक हैं, अशोक बेवड़े अशोक, शराबी अशोक, तुम्हारे साथ जेल में थे। अरे हम तुमको पैसा दिया था, तुमने संतरे में जुगाड़ किया था दारू का, तुम हमको ला के दिए थे, भूल गए क्या सब कुछ? अरे उसी की वजह से तो करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का डिमोशन हुआ था। याद आया तुम शराबी अशोक, शराब पीने के बाद घटिया शायरी मारते हो। याद है। हाँ वही। अरे तुम अभी भी वैसे ही 2021 जैसे ही दिख रहे हो, कैसे? हे भगवान, इनके बीच में रहना तो मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, थाने में जाता हूँ। ये फाइल मैडम। हाँ जी, इस फाइल का बात कर रहे हैं। कब का बिल है ये? एक बात कहें आपसे, आप कितना बुढ़ी हो गई हैं। सोचा था आपके शादी का कार्ड आएगा, लेकिन अब तो सीनियर सिटीजन के कार्ड आने का उम्र हो गया है। कैसे आप काटेंगे अकेले इतना पहाड़ जैसा जिंदगी आपका? कोई बात नहीं, जैसे ही अच्छा लड़का मिलेगा हम निकाह कर लेंगे। लड़का आएगा दादी बोल के चला जाएगा, कोई ऐसा बुड्ढा ढूंढिए आप जो आपके आखिरी दांत टूटने तक आपका साथ दे। कब कीजिएगा आप शादी? थोड़े दिनों में हमारी लल्ली की शादी होने वाली है। सही आदमी मिलेगा, हम शादी कर लेंगे। वेरी बैड। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग अभी भी यहाँ पर बैठकर चुगलखोरी कर रही हैं? हैं? ये क्या हाल बना रखा है थाना का? नहीं, डिपार्टमेंट ने अपना खर्चा कर आप लोग को चांद पर भेजा, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए आप लोग वहाँ पर भेजा कर गंदगी फैला के चली आई है। अब आप लोग का सजाई है कि आप लोग अपना खर्चा से रॉकेट का डायरेक्ट टिकट निकालिए। सस्ता के चक्कर में ना वाया मत निकालिएगा कि पहले मंगल पर गए, फिर बुध पर गए, फिर चांद पर गए। स्पेशली आप हसीना जी बहुत कंजूस हैं, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, उसका सफाई कीजिए। अरे चांद इतना गंदा हो गया कि आजकल का बच्चा लोग उसको चंदा मामा नहीं गंदा मामा कह रहा है। ऑर्डर है ये हमारा। जी सर, हो जाएगा। अरे ये हो क्या रहा है? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में आपका स्वागत है, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं? अरे आप लोग एक ही रात में बुढ़े कैसे हो गए और चांद पर जाकर वापस कैसे आ गए? एक मिनट, आप कौन है भाई साहब? अरे चीता। अरे एक मिनट यार हम सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी हैं। अरे चीता। सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी, सर बोल दो गोलियां मार देंगे। अरे सर, पैर, आंख, कान, नाक। अरे यार हमको नहीं पहचानते। तुम का शाहरुख खान के बेटा अबराम खान हो, तुमको हम पहचान जाएंगे। अरे हम अशोक, अशोक शराबी अशोक। अरे याद करो,
अरे करिश्मा मैडम ने तो हमको बंद किया था। अरे यार आपको, अरे अरे वहां दीवार पे हमने छेद किया था, उसमें पाइप डाला था, उसमें से हम दारू पी रहे थे, भूल गए क्या तुम लोग? हाँ करिश्मा सिंह, ये वही शराबी अशोक। कैसे भूल सकते हैं इसको, कैसे भूल सकते हैं? इसके वजह से हमारा डिमोशन हुआ है, इसको कैसे भूल सकते हैं? हाँ तुम वही शराबी अशोक हो, लेकिन तुम 20 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही जवान लग रहे हो जैसे तब थे। ये कैसे हो गया? अरे कौन से 20 साल, अरे कल रात को तो हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे, हम सुबह उठे तो फ्रिज में से बाहर निकल रहे हैं, अरे ये देखे कपड़े भी वही हैं, बाहर निकले तो सब कुछ बदला हुआ है, सब बूढ़े हो गए अचानक से, अरे ये हो क्या रहा है? अमाटोपा हो तुम, 20 साल पहले हुआ था ये सब, 20 साल निकल गए उस बात को, 2021 था वो, 2041 चल रहा है अभी। हमको देखो, सब इंस्पेक्टर बन गए हम यहाँ कर, तुम वही के वही हो, शराबी बेवड़े। अच्छा वो सब छोड़िए सर, इन्हें पहले मैडम सर के पास लेकर चलते हैं, करिश्मा सिंह ये सबूत है हमारी बेगुनाही का। हाँ, चलो 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 चलो, ले जाइए हवलदार लोग। अरे ले जाइए। बीस साल हो गए हमें इस थाने के एसएचओ बने, बहुत बड़े बड़े केसेस आए, यू यू सॉल्व किया है, लेकिन ऐसा यूनिक केस पहली बार आया जहां 20 साल तक आप गायब थे, और जब आए तब ना इनकी उम्र बड़ी, कहां थे, क्या किया, कुछ याद नहीं। अरे आप सबको खो क्या गया है, आप 2021 को 2041 क्यों बोल रहे हो? ये देखिए आज का दिन 15 February 2041 है, ना कि 2021। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो एक सेकंड रुकिए, कांस्टेबल करिश्मा सिंह और हसीना मलिक जरा साइड हटिए। यस मैडम सर। यही कारण है, यही कारण है कि हम जूनियर से सीनियर बन गए और आप सीनियर से जूनियर बन गए। उस तरफ जाइए हवलदार लोग, इधर इधर। ये देखिए मिस्टर अशोक, हमारे नवाब साहब मंत्री बन गए। ये क्या है? टीवी। लेकिन ऐसे कैसे? टेक्नोलॉजी 2041 है ये, 2021 नहीं। हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? देश के मंत्री जो कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। दोस्तों हम इस देश के मंत्री नहीं हैं। देखो देखो वो नहीं है, आगे तो सुन लो। बल्कि नुमाइंदे हैं आपके, जो आप लोगों की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज 2041 में हमारी जो ये सरकार है, ये गरीबों के लिए 3 स्कीमें लॉन्च कर रही है, वो तो आपको पता है, पर आज 15 फरवरी को ही ये 3 स्कीमें लॉन्च करेगी, और इसका सारा श्रेय हमारे सारे देशवासियों को जाता है। मिस्टर अशोक उम्मीद करते हैं अब आपको यकीन हो गया। भगवान, हमारा सर, कैसी शराब थी, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। हे पुष्पा जी, आप अभी तक वैसे ही हैं, बुढ़ी और बुढ़ी नहीं हुई। एक मिनट, आप रिटायर हुई या नहीं? रिटायर हो गई ना, वो रिटायर का सदमा लग जाता ना, तो वो इनके सर से जा ही नहीं रहा है, आ जाती है टहलने, आ जाती है इधर उधर बात करती रहती है, आप समझो कि जिंदा लाश, मतलब भूतनी भटकती आत्मा होती है ना, बस जिंदा है। जय हिंद मैडम सर। बाप रे,
पुष्पा जी ठीक है आप? पुष्पा जी आप ठीक हैं? क्या कर रही हैं आप? जब जागना होता है तो सो जाती हैं, जब सोना होता है तो जाग जाती हैं आप। 20 साल आगे बढ़ गई है जिंदगी, कुछ प्लान है, कुछ पता है कि नहीं पता? डॉक्टर को बुलाओ, अरे हमारा सर फट रहा है, अरे डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर डॉक्टर बुलाती हूँ मैं। हाँ जी डॉक्टर, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, मिल जाएगा जी? थैंक यू। ये क्या था? क्या फोन लगाया ऐसे कर? सॉरी डॉक्टर, गलती से लगे दोबारा। टेक्नोलॉजी, आप चलिए वरना आपको। चलिए 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 चलिए। This man back 20 year hibernation की अवस्था में थी। एक मिनट, मतलब तुम्हारा जो ब्रेन था वो 20 साल पहले ही कोमा में था। अरे गॉड ऑफ ग्रेस, तुम बच गए और तुम सोते रहे, और वो भी सोना कहाँ था इनका? फ्रीजर में सोते रहे। देखो फ्रीजर में हम कोई भी चीज रखते हैं, सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, वैसे के वैसे ताजी रहती, पुरानी होती नहीं है। तुम वैसे के वैसे रहे, बासी हुए नहीं। वो ब्रेन एक्सरे जो वहां से भेजा है वो लाओ, इनको दे दो। अरे क्या हुआ? अरे एक बात, इनके ब्रेन में अल्कोहल के पार्टिकल्स पाए गए हैं। क्या ये बेवड़े थे? हाँ, पीते थे। ओह, तभी वो अल्कोहल के पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं एक्सरे में। हाँ, ये देखिए, इनका भेजा तो बिल्कुल बर्फ की तरह फ्रीज हो चुका है। हर वक्त दोनों ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसीलिए सीनियर से जूनियर बन गए। जाइए आप दोनों यहाँ से, हम डॉक्टर से बात करके आते हैं। क्या नाम? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जाइए जाइए हवलदार लोग, जाइए। हे स्वीटहार्ट, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या हुआ, भूल गई? आज हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। आई लव यू माय बेबी। रे रे सनी, रे 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 रे, इस प्लान उलान में नहीं तो समझा ना तू। अबे मैं तुम सबकी ना मदद कर रहा हूँ। बेबी हैप्पी एनिवर्सरी। डार्लिंग, मैं तो भूल ही गई थी हमारे बिजी शेड्यूल में। मैंने हमारे घर पे जो रोबोट है ना उसे कहा था याद दिलाने, उसने भी याद नहीं दिलाया। लेकिन तुम्हें हर साल की तरह याद था, है ना? तुम्हारे जैसा पति ना किस्मत वालों को मिलता है। 20 सालों में तुमने एक बार भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। हो गया सर, ड्यूटी पर है सर, मैडम ड्यूटी पर है सर, संभालिए अपने इमोशन, घर पर जाकर सेलिब्रेट कीजिएगा ना। 20 साल हम कोमा में थे, हमको पता ही नहीं, हमारे बीवी और बच्चे। क्या हुआ? मैम हम पिछले 20 साल से कोमा में थे और कोई हमारी खबर तक लेने नहीं आया। हम अभी अपने पुराने घर गए अपनी बीवी गरिमा और बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें वहां मिले ही नहीं। मैम प्लीज उनको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। गरिमा जी, अशोक, गरिमा अपना घर बेचकर झोपड़पट्टी शिफ्ट हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं, तो वही लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। वेल, अरे यार मेरी एक दुकान है, एक मकान भी है, यू नो। अरे तुम्हारी बीवी के 20-20 दुकान होने के बावजूद यार दूसरे घर में काम करे यार। छे, क्या बात है बदनाम भाई, तैमूर की इतनी अच्छी मिमिक्री। तैमूर नहीं जानते, और सैफ अली खान उनका बेटा बड़ा हो गया, कितनी सारी फिल्में कर रहा है उसकी मिमिक्रियां। और हमने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बीवी है ना गरिमा, वो जहाँ जहाँ काम करती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, अब भीख मांग के अपना घर चला रही है। बताओ क्या क्या करना पड़ता है ना घर चलाने के लिए। मैं, ये,
ये आप क्या कह रही? और हमारा बेटा, हमारा बेटा कहाँ है? हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उसी पे ही जाए। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर गया है, दारू पी के हर जगह पड़ा रहता है। हाँ, अभी कल तो हमारे घर के पीछे वाले नाले में पड़ा हुआ था, हमें उठा के घर लेके गए। मतलब जहाँ जहाँ काम करती है उनके घर के बाहर जाके तमाशे करता है दारू पी पी के, इसलिए उसको ना निकाल देते हैं काम से। तुम ये दारू की आदत नहीं होती ना तुमको, तो उनका ये हाल नहीं होता, नुक्कड़ पे ही भीख मांगते हैं वो सब। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम तो चले गए लेकिन गरिमा पर जो कर्ज चढ़ा था वो चुका नहीं पाई, सब कुछ बेचना पड़ा उसे। इसी के सदमे में तो तुम्हारे बेटे ने इस तरह से शराब पीना शुरू कर दिया। अशोक, तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। चलिए मैम, मैम हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बीवी और बच्चे से मिलवा दीजिए। चलिए वो देखो तुम्हारी बीवी और बच्चा। ये हमारा बेटा, ये हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत के वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। सर, भूख लगी है।